दोनों ही हमारे इंप्रूव करते हैं क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज को वॉटर की पर देखो सोप क्या होता है सोप हमारा होता है सोडियम और पोटेशियम सोल्ट सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं किसके लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के मैं तो एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सॉप्स कैसे फॉर्म होते हैं तो हमारे ऑयिक एसिड जो होते हैं है, वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है और मैं आपको किसी सॉप का एग्जांपल बताऊं तो हम ले सकते हैं सोडियम स्टीरेट उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा सी सेवनटीन एच डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए ये मेरा क्या है सोडियम स्टीयरेट ठीक है तो ये सोप का इंट्रोडक्शन हो गया मैं बात कर लेती हूँ डिटर्जेंट्स की तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स तो ये भी हमारे क्या होते हैं ये भी हमारे होते हैं जो डिटर्जेंट्स है और इनका एडवांटेज क्या है इनके पास सारी प्रॉपर्टीज तो होती हैं सोप की दे हैव ऑल द प्रोपर्टीज विच हैज और क्या होता है पर ये सोप नहीं होते इनकी प्रॉपर्टीज होती है सोप लाइक इनकी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है बट ये एक्चुअली सोप नहीं होते और इनका एडवांटेज ये है कि हम इसको सॉफ्ट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं किसको सिंथेटिक डिटर्जेंट को और हार्ड वाटर में हम क्यों दे सकते हैं क्योंकि हम सोप्स को नहीं यूज़ कर सकते डिटर्जेंट्स में जो हार्ड वाटर के साथ जब हमारा रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है फॉर्म बना लेता है जो हमारी सोप्स में नहीं हो पाता इसलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को आ, यूज किया जाता है और जो मेन प्रॉब्लम आती है यूज ऑफ डिटर्जेंट में कि वो हाइड्रोकार्बन चेन अगर हाईली ब्रांचड है तो वो डिग्रेड नहीं होती है ठीक है अगर अगर कोई भी चेन हाईली ब्रांचड है तो वो डिग्रेड नहीं होती है और अगर कोई लीनियर चेन है तो वो डिग्रेडेबल होती है तो यहाँ गिवन है कि जो डिटर्जेंट्स है जिनकी ब्रांच चेन होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि दे आर नॉट इजीली डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया और अगर लीनियर चेन होगी तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है तो मेरा रीजन तो करेक्ट स्टेटमेंट है बट एसर्शन स्टेटमेंट है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा बेटर है सोप से ठीक तो है तो असरशन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन तो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो होगा पार्ट बी और मैं आपको एक डिटर्जेंट का भी एग्जाम्पल बताती हूँ हम डिटर्जेंट ले सकते हैं कोई भी मैं ले देती हूँ एक कैटायनिक डिटर्जेंट दो तरह की थे, के होते हैं कैटाइनिक और अनायनिक तो देखो कैटायनिक डिटर्जेंट मैंने लिया है तो सी एच थ्री सी एच टू फिफ्टीन एन स्क्वारियम सॉल्ट है मेरा ये एन सी एच थ्री सी एन सॉरी यहाँ पे आएगा सी एच थ्री तो यहाँ पे नाइट्रोजन के फोर बॉन्ड्स हो गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सी एच थ्री यहाँ आया मेरा पॉजिटिव और बाहर होता है ब्रोमीन नेगेटिव तो ये हमारा क्या है सिटाइल